गौशाला रगला मसानी में यहाँ पर कुंटलों गोबर के गोवर्धन रखे गए हैं। गोविंद जी ने इस गोबर की महिमा बताई है और यहाँ पर जो हमारी बहनें गोवर्धन रख रही हैं गुलाब से, फूल से, पंखुड़ियों से, फूल मालाओं से, मोती से और पेड़ पौधों से यहाँ पर अच्छी तरह से सजावट कर रही हैं। बहुत सुंदर ऐसा लगता है जैसे श्रीनाथ जी यहाँ पर आकर वास कर रहे हो और गोविंद जी ने भी गाय के गोबर की महिमा बताई है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी गोवर्धन रखें गोबर के ही, गाय के गोबर के ही रखें जिससे कि धन घर में धन सुख समृद्धि बनी रहे। कितना वेट का है सवा कुंटल का? आज यहाँ पर सवा कुंटल का ये गोवर्धन रखा गया है जो शुद्ध देसी गाय के गोबर का बना हुआ है। इसमें हमारी 6-7 बहनें लगी हुई हैं, सीमा है, अनीता है और ये प्रभा है, ये सभी बहनें हमारी यहाँ पर ये यहाँ पर तैयार किया गया है। रंग है, गुलाल है, फूल हैं और मोती हैं और पत्तियां हैं और नग हैं। कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे श्रीनाथ जी द्वारकाधीश से यहाँ पर आकर वास कर रहे हों। क्या कर रही हैं आप? जी मेरा नाम सीमा वाशनी है, मैं यहाँ गौशाला की मेंबर हूँ और यहाँ बड़े धूमधाम से हर साल की भांति मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम। और हम सुबह से ही काफ़ी महिलाएँ यहाँ लगी हुई हैं गोवर्धन की प्रतिमा बनाने के लिए। ये गोबर से, कलर से और पटका वगैरह पहनाकर और इनको मोतियों का श्रृंगार पहनाया है, फूल माला, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आता है यहाँ पे आके। यहाँ पे पूजा करते हैं सब लोग आके, जो गोवर्धन की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है, घर में सुख शांति आती है, माहौल बहुत अच्छा बना रहता है।